नजर बनाए रखी हो। इसी बीच एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। वहां खतरनाक पाने जाने वाले पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बताया गया कि ये बच्चा अपने माता पिता के साथ किराए के एक मकान में रहता था। मकान मालिक के पास पिटबुल नस्ल का एक कुत्ता है। कल ये बच्चा अपने कमरे में खेल रहा था, तभी ये कुत्ता उसके कमरे में पहुंचा और उस पर झपट पड़ा। कुत्ते ने इस बच्चे को करीब 22 जगहों पर काट लिया। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ और पड़ोसी वहां पहुंचे और किसी तरह बच्चे को कुत्ते के जबड़े से छुड़ाया और बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और नगर निगम ने पिटबुल नस्ल के इस कुत्ते को हिरासत में भी ले लिया है। और जो कल से अभी थोड़ा जल्दबाजी है, क्योंकि काटा काफ़ी है, उसका खून भी काफ़ी गया है कल से, तो खून भी काफ़ी कुछ निकला है। कल भी हमने उसको ब्लड दिए हैं, तो वैसे बच्चा होश में है अभी, पर देखते हैं कि 24 आवर्स कैसे और आगे निकल। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, जरा ये पूरा मामला बताइएगा और बच्चे की स्थिति अभी कैसी है? देखिए, ये जो एक किराए के घर के अंदर जो परिवार रहता था, ये और उसके पिता काम पे गए हुए थे, घर पे बच्चा और उसकी एक बहन थी, और उसी दौरान जो मकान मालिक था, जिनके पास में एक कुत्ता था, मकान मालिक का हालांकि कहना है कि ये कुत्ता उनके किसी रिश्तेदार वहाँ छोड़ कर गए, वो उसकी चेन उस दौरान जिससे बंधा हुआ था, कहा जा रहा है कि वो चेन तोड़ कर कुत्ता वहां से निकला और उसके बाद में जहां पर ये जो बच्चा था जिस कमरे के अंदर, उसके अंदर चला गया और उसके बाद में उसने बच्चे पर इस कदर हमला किया कि 20-22 से ज्यादा घाव आ गए। बच्चा बुरी तरह से जख्मी है, पूरा कमरा खून से भर गया था। मुश्किल से चिल्लाने की आवाज आई, तब उसकी माँ ने आकर उसको छुड़ाया किसी तरीके से पंजों से। पड़ोसी आए फिर दौड़कर, उन्होंने छुड़ाया, अस्पताल लेकर गए और अभी भी क्रिटिकल उसकी कंडीशन बनी हुई है। देखिए कि हैरानी की बात यह है कि राज्य जयपुर के अंदर कुत्ता पालना हो उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और इसके साथ में ये भी आपको सर्टिफाई करना होता है कि कुत्ता आपके नियंत्रण के अंदर है। ये तमाम औपचारिकताएं पूरी करना, लेकिन इसमें जो पिटबुल कुत्ता पाला गया उसमें न तो लाइसेंस लिया गया, न नगर निगम में पंजीकरण कराया गया, ऐसी कोई औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की। उसी के बाद में जो आरोपी है, केस दर्ज करने के बाद में आरोपी मकान मालिक को अरेस्ट कर लिया गया और जो कुत्ता है वो हिरासत में, कुत्ते को कस्टडी में ले लिया और उसको अभी स्वानगर भेज दिया गया। जी ठीक, भवानी रहिए जरा साथ आप। कुत्ते के हमले में घायल बच्चे का इलाज अभी जारी है, वहीं बच्चे के माता पिता इस हादसे के बाद काफी डरे हुए हैं। आपके बेटे की तबीयत कैसी है? अभी थोड़ी, कल बच्चे थोड़ी ठीक है, ऐसे बोलता है, बातचीत करता है, ऐसे तो सही लग रही है थोड़ी, बस सोजन आ रहा है। वो तो जी हम बेहोश हो जाता, ये बातचीत नहीं करता तो गंभीर लगता। कितने घाव? घाव बहुत ज़्यादा हो गए, घाव यहाँ भी हो गए, यहाँ हो गए, पैर में यहाँ भी हो गए, घाव तो बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छा, कैसे हुआ था? आप उस वक्त कहाँ थे जब? हम मजदूरी करने चल गए थे, निकल गए थे वहाँ से, 8 बजे निकल गए थे। पीछे बच्चा अकेला था? एक लड़की और थी छोटी वाली। तो ये कुत्ता क्या उस टाइम खुला था या बंधा हुआ था? ये मेरे को जाने में सुबह मैं देख के गया था, वो कमरा के अंदर, कुत्ता कमरा के अंदर ही था, उसका मालिक भी कमरे के अंदर ही था। बाहर में देखने गया था, मुझे डर रहा नहीं है तो बाहर नहीं था, वो अंदर ही था। फिर उसके बाद में हम चल गए थे, वो बच्चे को बोल गए थे मैं कुत्ता इधर आ जाए तो गेट बंद करके रखना, बाहर मत जाना बिल्कुल ही। अब मैं तो निकल गया था, मेरे को पता नहीं वो खुला था या टूटा गया या कैसे आया वो कमरे के अंदर। बच्चा और बच्ची थी, जो वो छोटी वाली बच्ची थी, एक छोटी जो वो बोरी थी, वो बेटा गए कैसे खाया 20 साल को कि पापा वो नीचे गेट बंद करने उतरा था तो उसको पकड़ लिया, और फिर मेरे को ऐसे बोला निशु नीचे मत उतरना, तो मैं नीचे नहीं उतरी और उसको पकड़ लिया। पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी, साथ ही उन्होंने लोगों को पिटबुल नस्ल के कुत्ते नहीं रखने की अपील भी लोगों से की। मेरा ये मानना है कि जो पेट डॉग पालते हैं उनको मैं साफ कहूंगा कि मेरे यहाँ भी डॉग है, लेकिन वो आप सब मिलते हो उससे, वो पूरी गली में घूमता है, सबका दोस्त है, क्योंकि आप बचपन से वो खुला रखा है, तो खुला रखा है तो वो पिटबुल या ये रॉटवीलर तो रखना ही नहीं चाहिए। ये जर्मन शेफर्ड है या और जो ये लेबरल डॉग है, ये लोग इस तरह से नहीं करते। ये बाकी डॉग आप रखते हो जब आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे कुत्ते मत रखिए आप। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, शेर तोड़ना पड़ा है, मारोगे क्या लोगों को?